राजधानी के हमीदिया अस्पताल परिसर में एक ड्राइवर ने खुद की एम्बुलेंस में आग लगा ली। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वो खुद के वाहन में आग लगाकर परिसर के बाहर भाग गया। एम्बुलेंस में आग लगने के कारण अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोगों की सूचना पर अस्पताल प्रबंधन ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने भी गाड़ी में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन एम्बुलेंस जलकर पूरी तरह से खराब हो गई थी। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस में लगी आग पर काबू पाया। लोगों के मुताबिक एम्बुलेंस संचालक ने खुद अपनी ही एम्बुलेंस को आग लगा ली थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चालक रिजवान खान ने कुछ महीने पहले लोन पर एम्बुलेंस खरीदी थी। वह इसकी किस्त नहीं जमा कर पा रहा था। वह हमीदिया परिसर में बनी पार्किंग में गाड़ी पार्क करता था, इसके भी 2000 रुपये नहीं दे पा रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार किस्त के लिए परेशान किया जा रहा था। लगता यही है कि उसने मानसिक तनाव में यह कदम उठाया है। गुरुवार शाम उसने हमीदिया परिसर में गाड़ी पर आग लगा दी। कोहेफिजा थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 435 आगजनी करने के तहत मामला दर्ज किया है। किस लिए लगा था? अरे कोई था तो नहीं इसमें। अरे बस छोड़ के भागो, आग लगा था। खुद आग लगाई है? हां वही तो खड़ा था। मैं तो खड़ा था। आग लगा के भागो। और क्या, वो वही तो लगी लगा। लगाई वाला ही आएगा। वो आग आग ही कैसे कुछ कर सर? नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित। और मैं हूँ अनीता भट्ट। और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें दीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।